अरे 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 देखो 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 वो आ रही है। देखकर लगता है कि खत्म हो चुकी है, मर गई है बेचारी। नहीं, जिंदा है। चलो उठो और जाने दो, वरना आज का दिन जाएगा। ए, चलो, तुम हमारे लिए एक बाधा हो। अरे क्या बात है सर? दिखाई नहीं दे रहा है कुछ लड़कों ने क्या हल कर दिया इसका? ये यहीं पड़ोस में कहीं रहती है, इसे कहीं रख दो और हमें जाने दो। ठीक है सर, आप लोग जाओ, मैं इसको रेलवे स्टेशन ले जाता हूँ और फिर देखता हूँ क्या करना है। ठीक है ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ चलो। मैं भी अब संत महात्मा तो हूं नहीं, चलो फायदा उठा लेते हैं। कितना? 14 रुपये 50 पैसे। आप वापस कब आएंगे? हाँ, आप वापस कब आ रहे हैं? कल इत्थिकारा बाजार का दिन है ना, आज थोड़ी देर हो चुकी है। आप अकेले ही जा रहे हैं क्या? उसके साथी की बहन की शादी है, इसीलिए मैं आपसे अगले हफ्ते मिल सकूंगा। मुझे एक पैकेट सिगरेट दीजिए। लीजिए, रुकिए। कोई कारोबार नहीं चल रहा? अरे क्या चल रहा है ना। मैं अगले हफ्ते मिलता हूँ। हाँ ठीक है।
ये नालायक इतनी स्पीड में क्यों जा रहा है? इसको अपनी जान की जरा भी फिक्र नहीं है क्या? इसके नखरे तो इतने हैं जैसे दुनिया इसी के दूध पर जिंदा रहती है। ये कौन है? अरे ये कब यहां आ गई? अरे रे, राजकुमारी के नींद खुल गई क्या? मेरी गाड़ी से जल्दी से नीचे उतर, बाहर निकल, चल इधर आ, चल उतर। चल उतर, जल्दी से नीचे उतर। अब जा 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 जा, अरे जा। अरे पता नहीं कब मेरी गाड़ी में आकर बैठ गई। ओहो, अच्छा हुआ किसी ने मुझे देखा नहीं। अभी तक दुकान नहीं खोला, लगता है अभी तक सो रहा होगा। मुझे ही खोलना होगा। तो साहब को समय मिल गया। ये कौन सा स्टाइल है? वैसे ये रंग पर्याप्त नहीं है। अरे बॉस, मैं पहले ही पहुंच गया था, पर आप मुझे दिखाई नहीं दिए तो टाइम पास करने के लिए नारायण की दुकान पर चला गया था। बहुत हो चुकी तेरी बकवास, अब दुकान खोल। काम चोर कहीं का, आज बाजार का दिन है। दुकान खोलने के टाइम पर लेट से आता है। सिगरेट पीते हुए नहीं देखे, नहीं तो वाट लगा देते। चलो चल। ताला खोलने में इतना टाइम लगा रहा है, अरे जल्दी से खोलना। हे भगवान, जय जय हो, जय हो। कोई औरत की आवाज आ रही है। अरे अरे वासु, ये कौन सा सामान रखा है तुमने? ऐसा लगता है कि दिल में समा गई है ये। ये तो बहुत अच्छी लग रही है, पर ये यहाँ आई कैसे? बस कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे इधर आ, इधर आ, इधर आ। अरे गधे, अगर ऐसे चश्मा पहन के अंधेरे में देखेगा तो तुझे क्या दिखाई देगा? अरे बेटा वासु, वो दारू नहीं है। ए, कपड़े ले और गिलास जाके साफ कर। अरे ये सब देखने के चक्कर में पेंट की जगह फिनाइल का डब्बा थमाना देना। दुकान अभी खुली है, बाद में फोन करता हूँ। क्या बात है? वो लड़की जाग गई बॉस। लेकिन कुछ बात भी नहीं कर रही है। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। आपके लायक है। मेरी बात सुन, मेरे साथ मजाक करने की कोशिश मत करना। उसकी चाल देखिए बॉस, मटक मटक के चल रही है। वासु, तू मेरे से मार खाएगा। देख, किसी पराई औरत पर बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
सब्जियों की कीमत क्या है? अगर ऐसे सोचो तो सब्जी दहेज में देनी होगी। जब मैं छोटा था ना तो मेरी माँ दलिया पापड़ और मिर्ची की चटनी देती थी, अब वो जमाना कहाँ रहा। भैया बोड़ा कितने का है? 45 रुपए। पूरे दुकान की सब्जी नहीं पूछे, बस इसका ही दाम पूछा। ओहो, मुझे लगा आप इस पूरी दुकान की बात कर रहे हैं। भाव इंसान के नहीं केवल सब्जियों के ही बढ़ते जा रहे हैं। क्या हुआ जॉर्ज, सुबह सुबह क्या लफड़ा है? मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सामान नहीं दे सकता क्या? खैर तेरा सेठ कहाँ है? वो अंदर है, चले जाइए। हाँ। ओए, पैसे कमाओ, सब्जियां बेच के और ज्यादा पैसे कमाओ। हिसाब कर करके तुम भी मुनीम हो गए। बल्ब अगर फ्यूज हो जाए तो मिट्टी का दिया जला लोगे, लेकिन दूसरा बल्ब कभी नहीं खरीदोगे। सोने से भी ज्यादा महंगी सब्जियां खरीद कर खा लेते हैं आजकल के लोग, ये यहाँ का फैशन हो गया है। तेरा ही समय अच्छा चल रहा है। आप सुबह सुबह बड़े मूड में दिख रहे हैं, क्या मिला है? मिला नहीं है लेकिन मिल जाएगा। ये क्या पहली बुझा रहे हैं? तुझे पता है आज जब मैंने सुबह दुकान खोली ना तो मजा आ गया। आज मेरे दुकान के पीछे ना एक सुंदर लड़की लेटी हुई थी, कितनी मस्त लग रही थी वो। एक सुंदर सी लड़की? अरे मैं सच बोल रहा हूँ। तू चाहे तो तू भी देख सकता है। क्या आपने वास्तव में देखा है? दिखने में तो अच्छी दिखती है लेकिन दिमाग ठीक है ये मुझे पता नहीं। चलो मेरे लिए तो अच्छा ही है। बेहोशी के हालत में सो रही थी बेचारी, वासु ने उसे भगा दिया। क्या कोई इस मामले के बाद उसको यहाँ पर लाया है? लेचा, ये क्या पेट में तितलियाँ उड़ रही है? देखना इसको अत्याचार न कह दें लोग। हे मेरे भगवान, मैं एक अच्छी चीज पर बात कर रहा हूँ और तू मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। अभी वो कहाँ पर है? वो तो मुझे मालूम नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। अरे पीलेचन कहाँ से आ रहे हो? अभी अभी भाई की दुकान से कड़क चाय पी के आ रहा हूँ। कड़क चाय पीने के लिए आपको भी तो कड़क होना पड़ता होगा। अरे सुबह सुबह ऐसी बात क्यों कर रहे हो? नहीं, वो बासु कह रहा था कि मेरी दुकान में पता नहीं कैसे कैसे लोग चले आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा था, वो बासु कह रहा था। और भी बहुत कुछ कह रहा था वो तो। और वो बासु ये भी कह रहा था कि वो लड़की खाली फुकट में इधर उधर भटकती रहती है। अरे नहीं नहीं, वो बेचारी लड़की है, लगता है उसका दिमाग ठीक नहीं है, उसके बारे में कुछ कहना पाप है। और आप तो अच्छे से जानते हैं कि मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप उस लड़की के बारे में कुछ तो जरूर जानते होंगे। मुझे नहीं पता है, दुकान में कोई नहीं है, मैं जाता हूँ। ठीक है, फिर कौन जानता है उसके बारे में। चलो जाने दो। ऐसी चिड़िया गांव में पहली बार देखा है बॉस, पिंजरे में कैद कर लो। चलते हैं। हाँ हाँ चलो।
ये जितना स्नान कर रही है उतना ही सफेद हो रही है। ऐसी नहाती रहेगी तो इसकी सुंदरता चली जाएगी। ये सही बात है, ये पहले से बहुत सुंदर लग रही है बॉस। तो फिर ज्यादा समय बर्बाद किया उसके बारे में पता करो। आप परेशान मत होइए बॉस, इसकी सारी जानकारी निकाल के मैं आपको दूंगा बॉस। लेकिन ये तो पता नहीं है ना कि वो कौन है। हाँ बॉस, समझ में तो नहीं आ रहा है। ये व्हेल मछली जैसे समुद्र में सोच के नहा रही है। छोटे मालिक, ये सिर्फ व्हेल नहीं है, ब्लू व्हेल है। छोटे मालिक, हमें भी सपने देखने दो। आंखों से उसका चीर हरण मत कर देना। ओ, मुझे ऐसे लुभाया मत करो छोटे मालिक। ये तो हमारे लिए एक दावत जैसी है बॉस। ये दावत नहीं है, हम उसके लिए 1000 दावतें लेंगे। आपके लिए मैं दावा तैयार कर दूंगा, आप फिक्र मत करो। वैसे आपके बस की बात नहीं है। तुम जाओ तो रपा, ये कौन सी बड़ी बात है। अरे हो जाएगा, चलिए गाड़ी में बैठिए, आइए। शांत रहिए, रिवाज के हिसाब से स्नान करने दीजिए। इत्थी कारा के राजाओं के सामने उसको अपना चेहरा दिखाने दीजिए, बाकी स्क्रीन पर देखेंगे। चलिए चलो। पागल 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 पागल। तुमको कोई परेशानी है क्या? अरे यार, देख रहे हो ना, ये पागल है, इससे बात करते रहेंगे तो समय बर्बाद होगा। चलो चल के खेलते हैं। डालना। पागल लड़की, पागल लड़की, छोड़ इसे, पागल हो गई है। इसको मत मारो, इसने नहीं मारा मुझे। अच्छा, हमें तो ऐसा ही लग रहा था। अरे इसके तो सर से खून निकल रहा है। अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को, ज्यादा लग गई क्या बेटा? तुम कौन हो बहन? यहाँ के जितने आदमी है ना, उनके पास कोई काम नहीं है, और अगर वो लोग किसी से लड़ाई नहीं करेंगे ना, तो उन्हें रात को नींद भी नहीं आती। उन लोगों ने तुम्हें बहुत परेशान किया ना। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। चलो, तुम्हारा नाम क्या है? बेचारी कितनी डरी हुई है। भैया, आपके पास खाने के लिए कुछ है क्या भैया? लेकिन आपके साथ ये लड़की कौन है? अब क्या बताऊं, इस बेचारे लड़की से बाहर सब लड़ाई कर रहे थे, तो मैं इसे यहाँ ले आई। ये अच्छा किया तुमने कि इस लड़की को यहाँ मेरे पास लेके आ गई। सुनो, उधर जाकर देखो उनको क्या चाहिए। अरे मोहम्मद, बहुत भूख लग रही है, खाने को कुछ है क्या? सुनो, साहब को खाने के लिए कुछ दे दो। हाँ, कुछ भी देने का मतलब क्या है? सड़क पर घूमने वाले कुत्ते और बिल्ली का मटन मत देना, एकदम ताजा मच्छी कड़ी बना के ले आ। अरे सुनो, ये स्पेशल वाले आए हैं, इनके लिए अलग बनाना पड़ेगा। तेरे सेठ ने तुझे बहुत सिखाया है, तेरे जैसे को अच्छे से जानता हूँ, तू तो केवल यहाँ काम करता है, अब ज्यादा बातें मत बना। अरे सर, मेरे बारे में कंप्लेंट मत करो, मैं आपको अच्छा ही बना के दूंगा। सर, ये मेरी कोई अपनी नहीं है, मैंने इसे बाहर देखा, बेचारी बहुत गरीब है, इसलिए यहाँ खाने के लिए ले आई, बस इतना ही। सुनो, ऐसे ही सबको फ्री में खिलाती रही ना, तो तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये कोई देसी है या कोई विदेशी?
अगर ये विदेशी होगी तो पासपोर्ट तो इसके पास होना ही चाहिए ना, देखना पड़ेगा। ए, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अरे जाने देना जाने देना, बेचारी कुछ नहीं जानती है। जब मैं मूत्र कड़ाऊ में काम कर रहा था ना, तो ये वहां पर एएसआई था, तो वहां के लोगों को डरा कर रखता था, लेकिन ये बात तो गलत है ना? हाँ मैंने भी सुना था। अरे आप इधर कहाँ घूम रहे हैं? मैं वासु को ढूंढ रहा हूँ। अरे तो वासु को फोन कर लेते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी। चलिए आइए आप अंदर आ जाइए, ये लीजिए ये चाय गरम गरम बनाई आपके लिए। चलो अच्छा। ओ अच्छा, क्या बात है। आप यहाँ पर? आप और मनिया, ये तीसरा दिन है, तुम लोग बाजार क्या करने गए थे? ऐसा नहीं है बसंती, हम लोग एक छोटे से काम के लिए बाजार गए थे, इसी वजह से। हाँ ठीक है ठीक है, वो तीनों दिनों के ब्याज और दंड ब्याज मुझे एक साथ दे दो, जल्दी करो, बसंती के हाथ में रखो, जल्दी करो। ऐसा मत करो बसंती, मैं तुम्हें आधा दे दूंगा, वो चुटकी और पीन करने के बाद भी चिपकी नहीं थी। शानदार, खरीदते समय पॉलिसी नहीं देखी थी क्या? बसंती की, बच्चों को भी पता है कि तुम्हारी आंखों में खून नहीं है। बसंती नहीं, पागलपन, जल्दी काम पर जाओ, क्या चाहते हो, परिवार का पेट नहीं भरना? तेरे को कितना चाहिए, 2000 रुपया? सुनो, तुमने बर्तन सब ठीक से साफ कर लिए है ना? और सुनो, कुछ लकड़ी भी काटनी है, अगर लकड़ी नहीं काटोगे ना तो सुबह का चूल्हा नहीं जल पाएगा। चलो चलते हैं। या अल्लाह, ये अभी तक गई नहीं, अरे गांव के सब इज्जतदार लोगों को तकलीफ हो जाएगी, ऐसा लगता है कि इसको ये जगह पसंद आ गई है। हेलो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये बचा हुआ था, लो खा लो, ले लो। तुम कहां से आई हो? तुम्हारे घर पर कौन है? यहां कैसे पहुंची? अगर खा लिया हो तो प्लेट बाल्टी में डाल देना, बोलती भी नहीं, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है।
अरे ये लड़का क्या कर रहा है, ये अपना काम नहीं देख सकता क्या है? चलो चलते हैं, बाद में मिलते हैं। तुम्हें दिन के उजाले में कितनी नींद आ रही है पिशारोड़ी माँ से? जो कोई भी कहता है उसे कहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नींद में भी सब कुछ अच्छे से सुन लेता हूँ। मैं इधर आया तो आपको समझ में आया? ये रात है या दिन है? ये आपको रात दिख रही है, है? अच्छा, हेलो, जा रही हो? कहाँ जा रही हो? अरे कौन इसे बीच में लगा के रखा है? छे, निकलने में दिक्कत हो रही है। जब भी कोई अच्छा काम के लिए जाओ बीच में कुछ न कुछ आ जाता है। छे, बाप रे। सॉरी दीदी, मैं सच में माफी मांग रही हूँ। अचानक ही मेरे क्यों ये पतंग कटी, छीना छप
तितली के जैसे फुरफुर उड़े, आओ आओ ढूंढे तुम्हें रे, सारे के सारे तुम कहाँ छुपे। फिर तू यहाँ आ ही गई है, रुक जा, अब कहाँ जा रही है? हाँ, तेरे साथ बहुत बड़ी समस्या है। अरे ज्यादा उछल कूद मत कर, रुक जा। अरे ए, ए, देख तू यहाँ चले जा वरना अच्छा नहीं होगा, समझा दे रहा हूँ तुझे। या वरना जान से मार डालूंगा बुढ़े। तेरे टुकड़े टुकड़े काट के फेंक दूंगा। अगर कोई थिकारा बाजार में मुझे रोकना चाहता है तो आगे आओ। चलो हटो। अरे मेरे पिताजी को क्या हुआ? कितनी बार बोला हूँ कि महिमा के बारे में सोचकर यहाँ मत आया करो। मैं हमेशा कहती हूँ कि पुरानी बातों को सोचकर यहाँ मत आया कीजिए, लेकिन आप नहीं सुनते। क्या आपको ये बाजार में नहीं मिला जो आप इसे यहाँ लेने चले आए? इतना बहुत है, आप लोगों के रहते ऐसे कैसे हुआ? बताओ ऐसा भी कोई है जिसे अपनी जिंदगी से फर्क ही नहीं पड़ता हो? चलिए पिताजी, चलिए पिताजी, चलिए। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, वो बाजार जैसा दिखता है वैसा है नहीं। मेरी बात मानिए तो वहाँ मत जाया करिए, वो आदमी बहुत बदमाश है, उसके मुंह मत लगिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वो आदमी चोर और दुष्ट है, उसको इन पर भी तरस नहीं आया। एक बात तो है, ऐसे बदमाशों की ही चलती है, जिनका परिवार बच गया वो विरोध करेंगे। ये सब देख देख कर थक गया हूँ पिताजी, चलता हूँ मैं। अरे कुमार बैठो, कॉफी लाती हूँ। नहीं नहीं मैं फिर से आऊंगा।
मैं आपके लिए कुछ खाना बना देती हूँ। मैं जो भी खाना देती हूँ आप बिल्ली को दे देते हैं। अब देखिए ना आपको कितनी चोट लग गई है। अब आप मुझे बिना बताए बाहर कहीं मत जाइएगा। चलिए। वो अंगरक्षक कहाँ है? तुम लोग अपने जैसों पर हिम्मत दिखाओ। चाचा जैसे लोगों पर दिखाने का क्या मतलब? ये मर्दानगी नहीं क्रूरता है। ए, मुंह बंद कर, निकल यहाँ से। मुझे पता है आप लोग मुझे भी मारोगे। मुझे पता है मेरे पीछे कोई बोलने वाला कहने वाला नहीं है। लेकिन एक बात मत भूलना, तुम लोग ये जो गलत काम कर रहे हो ना, तुमको इसका फल जरूर मिलेगा। ऊपर वाला किसी को नहीं छोड़ता है। तुम सबके सब मरोगे। छोटे मालिक, इसे जाने दो ना, ये पागल है। वो हमारा संतोष दिखाई नहीं दे रहा है। बॉडीगार्ड के बिना आप छोटे बॉस नहीं लग रहे हो। मेरे लिए बॉडीगार्ड? वो लड़की यही बोल के गई ना। पूरे बाजार में सब लोग यही बात कर रहे हैं ना। ये सही बात है। गांव वाले ये बात कर रहे हैं कि अपने छोटे मालिक को उसने मार डाला है। चुप कर, मैं क्या कर सकता तू देखना चाहता है? जिसके अंदर सबसे ज्यादा ताकत है ना, मेरे सामने लेकर फिर बताता हूँ। अरे जाने दो, भूल जाओ। नहीं भूलूंगा, जब तक बाजार में अपनी ताकत साबित नहीं कर दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा मैं, समझा? इधर क्या हो रहा है? यहाँ भीड़ है, तुम्हें पता नहीं छोटे बॉस अभ्यास करने वाले हैं यहाँ। ओह, पैसे और जनशक्ति के हंक में वे इस कारा पर शासन कर रहे हैं ना। इतनी करा पर उनकी चलती है। चलो अब चल के देखते हैं। चलो हाँ चलो देखते हैं। देख लिया सबने मेरे हाथ की ताकत को? मालिक बहुत बढ़िया, यहाँ कौन लड़ना चाहता है बताओ। अरे जाने दो भाई। शाबाश। मुझे पते के, मुझे पते के, मुझे पते से लड़ने वाला। तुम्हें यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? ऐसा लग रहा तुम जलदेवी हो। ऐसे यहाँ उदास मत बैठो, आ जाओ नदी में नहाते हैं, सच में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जब से मिली हो तुम्हें देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें कुछ तो बात है। कैसे क्या देखे जा रही हो? अब चलो अपने कपड़े उतारो और यहाँ आ जाओ, साथ में नहाते हैं, नहीं तो तुम्हें खुजली होगी। बात है, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। बस साबुन से नहा के ये गंदगी साफ करनी होगी। ओ, तुम तो शर्मा रही हो। जाओ यहाँ से, इंसान पे पत्थर फेंक रहे हो, दिखाई नहीं देता। अरे विनू, मुझे चींटी ने काटा है। अरे क्या हुआ, थोड़ा तो बर्दाश्त करो ना। तुम्हें नहीं काटा क्या? मुझे कुछ नहीं मालूम। पर मुझे तो गलत जगह पे काट लिया। ए तू अपना मुंह बंद कर। हाँ
चलो यार यहाँ से चलते हैं, नहीं तो डांट पड़ेगी। चलो चलो चलते हैं, चलो ना। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? सर आप यहाँ तुम महिलाओं को नहाते हुए देख रहे हो, शर्माने चाहिए। तुमने स्कूल में यही सब सिखाया क्या? इसे अच्छे बच्चे नहीं कहा जाता है, ऐसा फिर कभी मत करना, समझ गए तुम लोग? चलो यार, जो बात कहा याद रखना, जाओ यहाँ से, जल्दी से घर जाओ। चले तू मोरो जैसी नजर, तू तुझे क्या कहूँ सुंदरी, मेरे हृदय में बस तुम ही हो। हंसों की चाल चले तू, नजर आए झीलों से मुझको गहराई तेरी आँखों में, प्रेम के धागे से बंधे दोनों एक दूसरे के लिए है दोनों, तेरा मेरा साथ रहे सौ जन्मों, गले मिले चले हे प्रिय, हंसों की चाल चले तू मोरो
जैसे नजर तू हुआ, तुझे क्या कहूँ सुंदरी, मेरे हृदय में बस तुम ही हो। हंसों की चाल चले तू, नसीब वाली हो जो यहाँ काम कर रही हो, लेकिन तुम्हारे ये गोरे नरम हाथ ये पत्थर उठाने के लिए नहीं है। तो मेरे बारे में चिंता करना छोड़ दो। आप ग्रेनाइट की तरह हो पर भाग्यशाली हो। आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे मेरी बीवी तो सूखी बॉम्बिल की तरह है, उसको देखते ही उल्टी आती है। और आपके घर में जो तीन तीन बच्चे हैं वो क्या पड़ोसी के हैं या फिर आपके हैं, बताइए। हे गोपाल रुक जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो उसके पास जाती है या नहीं। इसके साथ खेलने की जरूरत नहीं है, जैसे सबके साथ करते हो। मालिक ने ही तो इसको सर पर चढ़ा रखा है ना। तो फिर आप एक काम करिए, जाके बॉस को बता दीजिए आपने मुझे हल्के में लिया है ना। वो देखो वो आ रहे हैं, अब यही रहना, कहीं जाना मत। अब जो कहना है उनके सामने कहना। नहीं मेरी लोडिंग हो चुकी है, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ सुशीला ने भी तो भर दिया होगा। क्यों सुशीला? हाँ जोसेफ एटा मुझे बताओ, मैं आपको इतना नहीं दूंगा जितना आप चाहते हैं। उस बिल को जल्दी से ठीक करो, आप पानी में पत्थर डाल रहे हो। ठीक है मैं फोन रखता हूँ। ओके। क्या हुआ मालिक, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं मुझे। अरे मैंने सुना है कि तुमने सारे अनाथों को गोद लेने का फैसला किया है। सुनो मुझे सलाह देने की कोशिश मत करना। एटी मम्बाली योसेफ यानी मेरे पिताजी, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा होगा। और फिर तुम मालिक, वो लड़की बहुत तकलीफ में थी सच में। अगर हम सब भी उसे परेशान करेंगे तो भगवान जी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपना समय बर्बाद मत करो, जाके अपना काम करो, मुझे और काम करना है। हेलो हाँ हाँ मैं वापस आ जाऊंगा, हाँ जल्दी आता हूँ। हाँ ठीक है जा यहाँ से। अरे गोपालन भैया। हाँ। सुबह से पैदल चल रही हूँ, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, रिस्क लिए बिना। वासंती काम कर रही है ऐसा गांव वाले बोल रहे हैं, एक एक के पीछे। हजार बार घूमूंगी तब तो पैसा मिलेगा ना। पैसा तभी मिलता है जब बार बार जाती हो। नहीं तो कोई पैसा नहीं देगा। जिसने पैसा लिया है उसे सूंघ कर पकड़ लेते हो तुम लोग। गोपालन भैया बिजनेस अभी थोड़ा ठंडा है, पहले जैसा नहीं चल रहा। अब क्या करूं? बैंक वाले पैसा दे रहे हैं तो बसंती से कौन लेगा। क्या बात करती हो बसंती, बैंक का लोन पास करवाने जाओगी तो मरने के बाद ही पैसे मिलते हैं। तुरंत लेना है तो बसंती के पास ही है। लेने के टाइम समय पर देंगे बोलते हैं, पैसा लेने के बाद फिर दिखेंगे ही नहीं। अब जो है उसी से चलाती हूँ, बाकी कुछ नहीं रहता मेरे पास। गोपाल भैया आपके रिश्तेदार कहाँ है? ओह कौन से रिश्तेदार, ऐसा कौन सा रिश्तेदार है? तुम एक सुंदरी को पाल रहे हो ना, उसी को। ओ, वो लड़की कौन जानता है, और बसंती को मैं धोखा दूं, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। मुझे पता है इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। वो लड़की कभी नहाती नहीं है। समझ गई। क्या बोलूं तुझे। मुझे लगता है तुम दीवाने हो। हाँ हाँ
वर्कला ऐसे मामलों में थोड़ा पागल हो गया है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई, सुशीला ने आखिर इस पीरा लड़की में क्या देखा होगा? सुशीला बहुत अच्छी है, आपको उस पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा है। फिर भी बिना नहाए भी वो? अरे छोड़ो ना, एक अच्छे 5-स्टार होटल से खाने से बेहतर कभी कभी मधुशाला से भोजन भी कर लो, क्या होगा अगर आपके सफेद शर्ट पर एक दाग है तो? ये ऐसा ही है, अगर मन में कोई आशा आती है जब तक ये हो नहीं जाता तब तक काम करने वाला सो नहीं पाएगा। यही सब बात है, आप क्या समझते हैं? अगर मुझसे पूछोगे तो उसमें कोई बात तो है। उसने जीवन के बहुत साल देखे हैं। उसे पकड़ो, अंदर लेके आओ। ए रुक, चल 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 चल। अरे निकल, निकल बाहर निकल, लेके चल उसको। अरे ताकत लगा, लेके चल, ठीक है। बहुत नाटक कर रही है, लेके चल चल। अरे चल रे चल, अरे जोर लगा, खींच, ले चल, ले चल अंदर चल। अरे चल, वहां क्या कर रही थी बोलो? है? मैं यहाँ कुछ पाने के लिए हूँ, मैं वहां से चला गया। सुनो, अपने बॉस को बोलो गरीबों पे अन्याय ना करें, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, एक दिन उसे ब्याज के साथ सब भरना पड़ेगा, याद रखना। पुरानी साहित्य रचना अभी भी श्रेष्ठ है, हमारे लेखकों की लेखनी जो है वो हमेशा जीवित रहेगी, लेकिन आज के जमाने के जो लेखक हैं वो इतना अच्छा अब क्यों नहीं लिख सकते हैं, बताइए आप मुझे। हाँ, आज ऐसा लिखा जाता है कि नारी पुरुष के बराबर है, लेकिन ऐसी बातें सिर्फ पत्रिकाओं में होती है, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। अब क्या कर सकते हैं, लिखने वाले लिख देते हैं। क्या कहते हैं अबू का? कोई भी बीज अंकुरित होता है, लेकिन पके हुए बीज अगर बोए जाएंगे तो उसमें ही फल आते हैं, सही बात है ना? जी हाँ, सही बात है, जैसा कि कहा गया है, अच्छी रचना है, अच्छी रचनाएं हमेशा के लिए अच्छी रहेंगी, जो समय के अनुसार अंकुरित है ये इस समय जलने वाला है। कौन जा रहा है उधर? अरे कहने वाले तो कुछ भी कह देते हैं। ए, ऐसा कुछ नहीं है, वे किसी देश से यहाँ पर आए हैं। रात के आड़ में बहुत से लोग परेशान करते हैं, ईमानदारी से कहूँ तो ये कठिन है। किसी भी सामाजिक संगठन में या फिर किसी पुनर्वास केंद्र में ले जाया जा सकता है या नहीं जा सकता? इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, आप भी तो ले सकते हैं ना। यहाँ हमारे देश का अभिशाप है, जैसे कि ये मेरा काम ही नहीं है, बस खुद का ही ध्यान रखो। साथी प्राणियों के लिए मानवीय अंतरंगता और मित्रता दिखाना, ये समाज में एक समुदाय के रूप में आएगा, देश भी तरक्की करेगा। अरे उसे जाने दो यार, हम खेल का मजा लेते हैं, अपने खेल को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, मेरी मनकाऊ में एक मीटिंग है, आपको ही जाना होगा। लेकिन मुझे भी बहुत काम है, चलिए ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है। अरे अरे क्या कर रही है इधर, माता सब बर्बाद हो जाएगा। दो थप्पड़ उसको मारने चाहिए, जाने दो, दिमाग कम है उसका।
जरा देखो उसे, इतनी अच्छी बच्ची है, लेकिन इसकी हालत तो देखो, देखकर बुरा लग रहा है। ये बच्ची अच्छी है लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, ये पागल लड़की है, इस बात से मैं थोड़ा दुखी हूँ। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, तुम ही बता वो मेरे पास क्यों आएगा, उसके बारे में कुछ नहीं पता। चर्च में वैसा ही महसूस करो जैसा तुम क्लास में करती हो। सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कर नहीं सकती हो। आप मुझे भी सिखाइए अंकल, मैं हर चीज में A+ हूँ। शरारत भी तो बहुत करती हो ना। कोई किसी से कम नहीं है, सब अपनी मर्जी की करते हैं। हर कोई कहता है कि समय का परिवर्तन है, आप क्या करते हैं? वैसे कुछ खास नहीं है, कुछ भी कर लेता हूँ। ये सच में पागल है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चल रहा है। अरे इतनी देर करोगी तो बस निकल जाएगी, सारा सामान बैग में रख दो, बस का टाइम होने वाला है। फालतू की बात छोड़कर थोड़ी मेरी मदद कर दो। ओ सुनिए, एक दो चीजें रखना भूल गई हूँ, आप रख लो नहीं तो भूल जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, अरे उसके पास पैसे हैं, जरूरत होगी तो वो खरीद लेगी। अरे आओ मेरी प्यारी बिटिया। पहुंचते ही फोन कर देना, ठीक है? तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो ये मुझे पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, इस गांव के सभी लोग मेरी बहुत ही इज्जत करते हैं, अपने पिता का मान सम्मान हमेशा रखना। वैसा ही करूंगी जैसा आपने कहा पापा। अरे बाप बेटी के बीच में क्या बात हो रही। अरे जिसके पास काम धंधा नहीं वो बच्चों के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन मेरी तो केवल एक ही बेटी है, इसकी चिंता हमेशा रहती है। हे भगवान, इसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद इसकी शादी ना करवा दूं तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? तुम नहीं समझ सकती, देखा नहीं उसके पास किसी का कॉल आया, लेकिन वो चाहती तो हमारे सामने भी बात कर सकती थी ना। वो उसकी सहेली भी तो हो सकती है ना। भानुमती, तुम अभी भी गाँव वाले किसान कुरूप की बेटी हो, अभी भी बदली नहीं हो तुम,
तुम्हें दुनियादारी के बारे में अभी भी कुछ भी नहीं पता। अब उसमें क्या नुकसान है? सब वैसे चल रहा है जैसे मैं चाहती थी। एक अच्छी बेटी, एक पति जो केवल मुझसे प्यार करता है, ये सब भगवान ने दिया है ना, यही बहुत है। अभी तक तेरी ये मासूमियत और सुंदरता को देखकर मैंने आज तक कभी किसी दूसरी औरत की तरफ नहीं देखा। और सुनो, तुम्हारे अलावा मैं किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। ओह, मिस्टर पिल्लई और मिसेस पिल्लई अब तो जवान हो रहे हैं, पर मुझे तो भूख लगी है। पिल्लई जी के ड्राइवर के अधिकार के बारे में कुछ नहीं पता। सुनो, इसे भूख लग रही है, इसे खाने को दो। आखिर गई कहां पर? चलो चलकर देखता हूं। अपने अय्यासियों के लिए रईस जो गलती करते हैं, उस गलतियों को छुपाना, बार में मस्ती करते समय उन्हें सिक्योरिटी देना, ऐसे सारे काम करने के दौरान एक छोटा सा ब्रेक मिलता है, तो चलो मौज करते हैं। हमारे ऑफिसर को गए काफी टाइम हो गया है, उम्र तो ढल रही है लेकिन जोश कम नहीं हो रहा है। अरे जोश कैसे कम होगा, पुराना इंजन है तो चलना बंद हो जाएगा। वैसे ये इंसान थोड़ी है, दिनों रात मजे करते रहता है। बात तो सही है भाई, उसे शराब और शराब दोनों ही बहुत पसंद है। आइए आइए, स्वागत है। रात में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस वाले कितना मेहनत करते हैं भाई। हा? चल हो गया, पुलिस वाले को नियम मत सिखा, ऐसी लवारिस लड़की के साथ थोड़ी सी मस्ती कर ली, समझ गए ना? समझ गए ना तुम लोग? साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे लिए रुकने की जरूरत नहीं है, आप घर जाइए। चाहिए तो ये भी ले जाओ, कल भी पी लेना, कम पड़े तो फोन कर देना। देखा ना, पॉकेट की मिली तो ये कहीं भी चला जाएगा। चलो। अरे छोड़, जाने देना यार। हरे राम।
रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्या बात है शंकर भैया, कुत्ते इस तरह से लगातार क्यों भौंक रहे हैं, जरा जाकर देखिए। ओ, इसमें भी तुमको कोई ना कोई कारण दिखता है। कुत्ते तो बिल्ली को भी देखकर भौंकते हैं, वैसे भी भौंकते हैं। जाओ तुम ही जाकर खुद देख लो कि क्यों भौंक रहे हैं। अजीब बात है, तुम्हें हर सवाल का जवाब चाहिए। बस बस, आप यही जवाब देंगे, मुझे पता था। मैं ये सब नहीं सुनना चाहती, जाइए जाकर देखिए। ओहो, अब आधी रात को मैं टॉर्च लेकर बाहर जाऊं? कह रही हूं ना, जाकर देख कर आइए। उसके लिए भी जाना पड़ेगा, इसको क्या परेशानी है समझ में नहीं आता। अरे सावित्री कोचे, सावित्री कोचे, सावित्री कोचे, वहाँ ऐसा तो और कुछ भी नहीं है। वहाँ पर एक लड़की खून से लथपथ पड़ी हुई है, इसीलिए इसीलिए क्या बोल रहे हैं? हाँ। हे भगवान, चलिए चलकर देखते हैं। हाँ। चलिए चलो। अरे बाप रे, हाँ। कहाँ है? हे भगवान, शंकर भैया, ये कौन है? लगता है ये वही लड़की है जो इथिकारा बाजार में घूम रही थी। ये बेहोश है, इसके साथ कुछ हादसा हुआ है। शंकर भैया, आप बिना देखे उसे उठाओ और घर पर ले चलो। हाँ, बिना सोचे समझे किसी भी तरह की लड़की को। मैंने आपको अंदर जाने और गुलाब जल छिड़कने नहीं कहा था, इंसानियत दिखाने के लिए कहा। इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? सावित्री कोचे, इसकी हालत तो बहुत खराब है। ऐसी हालत में हम इसके लिए क्या कर सकते हैं अभी? अगर कुछ हो गया तो? शंकर भैया, गांव में इतनी जगह होने के बावजूद ये हमारे घर के बाहर ही क्यों आई? ये भगवान की मर्जी है। शंकर भैया, एक बर्तन में थोड़ा ठंडा पानी और एक तौलिया लेकर आ जाइए। सावित्री कोचे, ये क्या कर रही हो? यहाँ इसको रखना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। चलो हम लोग इस लड़की को कहीं बाहर छोड़कर आते हैं। क्या बोल रहे हैं शंकर भैया, इस तरह की बात आप कैसे सोच सकते हैं? ये भी एक इंसान ही है ना, कुछ भी हो जाए वो आज यहीं पर रहेगी। सुबह होते ही जो चाहे वो करिएगा। हे भगवान, कैसा समय आ गया है। नहीं सावित्री कोचे, तुमने रात का खाना नहीं खाया, जाओ खा लो। शंकर भैया, आपके लिए खाना रखा है, आप जाकर खा लो। हाँ। मुझे नहीं पता ये कब जागेगी, ये उठ जाती तो खाने को दे देती। लेकिन तुमको भी तो भूख लगी होगी। मुझे भूख नहीं लग रही है। शंकर भैया, आप जाओ खा लो, खाना खाने के बाद इसको भी तो उठाकर अंदर लिटाना है। लेकिन ये कैसे होगा भैया, आप जाकर खाकर आओ। हाँ।
क्या बात हो गई मैडम, आज अभी तक जागी नहीं, दरवाजा भी नहीं खोला, पहले तो जाग जाती थी, बीमार तो नहीं है? हे भगवान, इसको तो बहुत तेज बुखार है। शंकर भैया, शंकर भैया, क्या हुआ? तुमने मुझे बुलाया क्या? हाँ, कल रात को आप जिस लड़की को लेकर आए भूल गए क्या? आपकी याददाश्त कम हो गई है क्या? देखो सावित्री कोचे, मैं उस पालने में गया था, उन्होंने कहा कि लोरी तोड़ने कोई आएगा। सेबेस्टियन ने कहा कि वो कल बाजार छोड़ देंगे। देखो तुम इस तरह मुझ पर क्यों चिल्लाती रहती हो? कल मैंने इस बात को अच्छी तरह से समझाया था ना तुमको कि खा मखा अपने सिर पर बवाल मत लिया करो। ऐसा नहीं है शंकर भैया, उस लड़की को बहुत तेज बुखार है, आप उसके लिए जाकर कोई दवाई लेकर आ जाइए ना, तब तक मैं उसको कॉफी देकर आती हूँ। अब इसका इलाज करोगी? जाओ, तुम्हारी जो मर्जी वो करो, तुम्हें तो समझाना भी बेकार है। लेकिन ये शंकर ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। वैसे भी मुझे दवा लेने तो जाना ही पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं चाचा जी, वो भी इतनी सुबह सुबह? अरे कुछ मत पूछो सुशीला, पैतृक घर में अगर बचत नहीं हुई तो मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, सुबह सुबह दवा लेने जा रहा हूँ। अरे तो मुझे बुला सकते थे, और जो बीमार है वो है कौन? अच्छा होगा कि ये बात मत करो, कल रात को तो मैं आया था। हाँ। मैंने बहुत कहा कि मुझे लोड नहीं करना, लेकिन सुनी ही नहीं। यहाँ तो कुछ अलग ही खेल चल रहा है। खैर छोड़ो, मुझे जाने दो, आखिरकार वो एक इंसान ही है ना, उसके लिए दवा खरीद देता हूँ। शंकर को इससे कोई आपत्ति नहीं है, आज का समय ही ऐसा है, अच्छा करोगे तो अंदर जाओगे। सावित्री चाची, सावित्री चाची। हाँ हाँ चाची, कौन बीमार है आपके घर में? सुशीला, तुमको इतनी जल्दी खबर कहाँ से मिल गई? अभी रास्ते में चाचा जी मिले थे, उन्होंने बताया। कल रात को यहाँ पर एक लड़की मिली थी, देखो वो उस कमरे में है, आओ। मैडम, ये तो वही गरीब लड़की है, मुझे इसका नाम भी नहीं पता, ये बाजार में मुझसे खो गई थी, पता नहीं इसके साथ ये सब क्या हुआ, लगता है इसके साथ किसी ने बदतमीजी करके फेंक दिया होगा। बेचारी लड़की, मैं शाम को आके इसे अपने साथ ले जाऊंगी, तब तक यहीं सोने देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ये रात से थोड़ी ठीक है, शंकर भैया दवा लाने गए हैं। ओ ठीक है, सो जाओ, अब मैं चलती हूँ चाची। शिवा, खाते में लिख देना। ठीक है। हाँ। अरे सुनो, वो लड़की कहाँ चली गई, कोई उसे लेके चला गया क्या? सुबह से वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ से आई थी मालूम नहीं, कहाँ गई वो भी मालूम नहीं है, गई होगी कहीं। मैंने बाहर उसे हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन कहीं नहीं दिखी। क्या करे, यही इस देश की बदनसीबी है, परिवार वाली लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है, तो फिर जिसके आगे पीछे कोई है ही नहीं तो उसका क्या बोले। अब जिसका कोई नहीं है, अब उसका तो भगवान ही भरोसा है, वही कुछ कर सकते हैं उसके लिए, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरे भगवान ने ऐसे जन्म को क्यों जन्म दिया है? इस दुनिया में हर किसी का जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है, अल्लाह ने उसे भेजा तो उसका कुछ उद्देश्य होगा ही। हाँ ये अलग बात है कि हम उसे समझ नहीं पाते, ऐसा ही होता है। वैसे ठीक है ना? अरे तू जा और जाकर बर्तन साफ कर, चल जा। अरे वो तैयार नहीं है, उसे मत तोड़ो। ओहो, कहने के बाद भी नहीं सुनती है, पता नहीं कहाँ से आई है ये लड़की,
लगता है पूरी रसोई पर राज करेगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ फिर भी मेरी बात नहीं सुन रही हो। अरे इतनी जोर से उसे मत खींचो, अगर उसको खींचोगी ना तो सिर्फ फल ही नहीं पौधा भी हाथ में चला आएगा। अजीब लड़की है ये, सारे पौधे उखाड़ कर रख देगी। सावित्री कोच्चे सुनेंगी तो कहेंगी जाने दो ना शंकर भाई। क्या बात है शंकर चाचा, आज हाँ। तो बहुत खुश लग रहे हैं, नई दोस्त मिल गई है क्या? ओ इतनी खुश हो कि उछल रही हो, क्या बात है। नहीं नहीं मुझसे कुछ मत कहना। सुनो सुशीला, करौंदा और बड़े लोगों के शब्द एक जैसे हैं। पहले हाथ के लिए फिर मिठाई। हाँ वो तो मैं समझ रही हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, इसे अपने साथ रखते हैं और इसकी देखभाल भी करते हैं। हाँ वही, मेरे ऊपर जैसे मिठाई लगी हो वैसे चींटियां आती हैं। मैं तुमको बताऊंगा, मैं उनको भी बताऊंगा जिनको बताने की जरूरत है। हाँ। मेरी बात सुनो शंकर चाचा ना बहुत अच्छे हैं, तुम उन पे गुस्सा मत करना, वो एक अच्छे इंसान है। तुम्हें ये सब पसंद है क्या? पता है शंकर चाचा एक अच्छे किसान भी हैं, ये काम तुम्हारे लिए भी अच्छा है। चलो अब घर चलते हैं, चलो बहुत देर हो गई है। ये क्या पागलों की तरह इसे गिने जा रही हो, पहले क्या ऐसी सब्जियां नहीं देखी तुमने? चलो तुम यहाँ से जा रही हो, लेकिन चिंता मत करना, जब तुम्हारा मन करे तुम वापस आ जाना। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या है चाची? अरे कुछ नहीं, कुछ पुराने कपड़े हैं। हाँ इतना काफी है, चलो। ठीक है चलो। सावन तू मेरी जाना, चांद है पूनम, काम अग्नि जो तन मन में जागी, जोगी मन वा ये बना अनुरागी, ऊंचा उड़ा जो ये आकाश में,
देखो बन गई जोड़ी जम गई साथ जन्म के साथी बन गए हम मिलके बोले हम सत्यम शिवम तेरा ये यावन हरियाला सावन तू मेरी जाना है चांद पूनम जादू टोने से मद होश कर दूं होश गुम तेरे पल भर में कर दूं जादू टोने से मद होश कर दूं होश गुम तेरे पल भर में कर दूं प्रेम करते ना जो है बैरागी अनुराग जिन में नहीं हम देख देख प्रेमी के दिल मिल जा करीब आए बिजलियां गिर जाए मेघ रागिनी छिड़ जाए कामिनी रे तेरा ये यावन हरियाला सावन तू मेरी जाना चांद है पूनम जल में जलता है तेरा बदन जो तन पे लगाऊं चंदन सुगंध को जल में जलता है तेरा बदन जो तन पे लगाऊं चंदन सुगंध को दोनों की मुद्रा दिल को चुराए लोगों की बातें सुनो हम देख देख लोगों के दिल जल जाए कहीं चोरी चोरी बागों में फूल खिल जाए चित चुरा लिया है मन चुरा लिया है दिल चुराया सौभाग्य सुंदरी ने तेरा ये यावन हरियाला सावन तू मेरी जाना चांद है पूनम काम अग्नि जो तन मन में जागी जोगी मन वाये बना अनुरागी ऊंचा उड़ा जो ये आकाश में देखो बन गई जोड़ी जम गई साथ जन्म के साथी बन गए हम मिलके बोले हम सत्यम शिवम तेरा ये यावन हरियाला सावन एक बार आ तो अरे एक बार सुन तो सही
अरे तुझे रानी बनाऊंगा। अरे जा, अरे अरे क्या कर रही है? अरे सुन तो सही, इशिन क्या कर रहा है? अरे मेरी बात सुन, अरे कहाँ भागो? बताओ सावित्री अम्मा, भगवान से आपको क्या शिकायत है? भगवान से शिकायत करना मैंने कम कर दिया। मेरी शिकायत के अलावा भी भगवान के पास बहुत सारे काम है ना। पुराने दिन में भगवान के पास भक्त कम थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा हैं। ज्यादातर वो अकेला होता है, तो उनकी बोरियत दूर करने के लिए मैं उनसे कुछ बातें कर लेती हूँ। वो मेरी बात सुनकर मुझे जवाब भी देते हैं, वो मैं सुन लेती हूँ और चली जाती हूँ। बहुत बढ़िया सावित्री अम्मा, बहुत बढ़िया, यही सच्ची भक्ति है। तो फिर चलो वहाँ पर चलते हैं। हाँ ठीक है। भैया जरा गाड़ी रोकिएगा। रुक क्यों गए, पहले ही देर हो चुकी है। अच्छा ठीक है, मैं उसे एक बार मिलकर आती हूँ। ये लो प्रसाद खा लो, एक बार मिलने आना ठीक है। क्या तुम जाना नहीं चाहती?
तुम्हारा ये रवैया ठीक नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं शंकर भैया, भगवान के लिए ऐसी बातें मत करिए, बेचारी को खाने दीजिए। अरे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, खाने दो खाने दो, उसके बाद मुझे सोने के लिए एक चटाई और तकिया दे देना। आप क्यों हर वक्त ऐसी ही बातें करते रहते हैं? हाँ हाँ अरे शंकरन कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी जा रहा हूँ, छोड़ो ना। मैं भी जाता हूँ, मुझे क्या शंकरेटा, क्या बात है? जाओ। हेलो, कौन बोल रहा है? ये तो काफी समय से चलता आ रहा है। सावधान रहना है। ठीक है, मैं सोचता हूं। हाँ समझ गया, एक बार मिलते हैं, ठीक है। दोबारा कब आएंगे आप? आऊंगा या नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं तो पूरी हो रही है ना। आप थोड़े से वक्त के लिए आते हैं, मेरे लिए इतना काफी नहीं है। तो फिर तू क्या चाहती कि तेरे गले में मंगलसूत्र बांध के चार पांच बच्चे पैदा कर दूं? हाँ आजकल चारों तरफ हम दोनों के बारे में ही चर्चाएं चल रही हैं। अगर तू मुझे ऐसे ही खुश करती रही ना, तो तू भी हमेशा खुश रहेगी। अगर तू ऐसे ही चलती रही ना, तो तुझे पैसों की कभी कमी नहीं होगी, समझ गई ना? हाँ चलता हूं मैं। ऐसा क्यों किया शंकर भैया? आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। अरे वो बेचारा वहां पर काम कर रहा है, क्यों बेकार में आप उसको तकलीफ दे रहे हैं? मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैंने उस बेचारी गरीब लड़की की सहायता की है। अब इसमें मैंने कोई बड़ा अपराध किया क्या? भूख की कीमत जानने वाले को खाना देना चाहिए, सेवा करने वाले का मन और खाने वाले का पेट दोनों भरना चाहिए। शंकर भैया वो बैग कार में निकाल कर रखो। दीदी क्या देखा तुमने, ये मेरी बहन के पुराने दिन नहीं है। अगर रास्ते पे आते जाते लोगों को बुलाएंगे तो वो अंदर होंगे और बहन बाहर होगी। मुरली हम अगर कोई गलती नहीं करेंगे तो हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। एक लड़का था जो मेरे साथ मेरी बहन की तरह काम करता था, वो एक गरीब को ऑटो खरीदने के लिए वहां खड़ा था। उसके दिमाग में सिर्फ पैसा ही था, तो उसने क्या गलत कर दिया? आप क्या करते हैं तीन बार सोचना पड़ता है। लेकिन मुरली अब बस करो बहन, वो सब छोड़ो और कार में बैठ जाओ। ये आज या कल शुरू नहीं हुआ था, बहन को फोन किए हुए काफी समय हो गया है। जो लोग छुट्टी पर आते हैं वो मेरे पास ही रहते हैं, चीजों का ख्याल यहाँ पर अच्छे से रखा जाता है। रो मत बेटा,
अच्छे, अब मैं क्या करूं? ये तो चुप ही नहीं हो रहा। रो मत बेटा, चुप हो जा। बताओ मुझे, तुम्हें भूख लगी है क्या? तुम्हें दूध चाहिए क्या बेटा? हे भगवान, अब मैं इस बच्चे को कैसे संभालूं? ओ, तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। सुशीला, क्या बात है? तुमने बहुत अच्छा किया सुशीला, तुमने बहुत ही पुण्य का काम किया, बहुत खूब। उसको इतने लोग गुमराह कर रहे थे कि कुछ कह ही नहीं सकते। मुश्किल में कोई किसी के काम नहीं आता, यही इस दुनिया की रीत है। क्योंकि सब लोग डरते हैं, ताकतवर को देखकर कोई भी आगे नहीं आता। बेहतर होगा कि आप भी चुप रहें और अपने घर में छिप जाइए, यही ना? ठीक है। ये बच्चों के कपड़े और कुछ खिलौने लाया हूँ। शानदार, इसका मतलब अच्छे लोगों के भी दुनिया में कमी नहीं है। इसने अच्छा काम किया ना? बहुत बढ़िया काम किया। कड़ी मेहनत करके पैसा कमाता है। मैं इसकी मेहनत के बदले में जो पैसा देता हूँ, इसने जमा किया होगा। बहुत समझदार है ये। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। वैसे तुम लोग जो मदद कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कहीं तुम लोग आफत में ना आ जाओ। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? वो बेचारी औरत है, बच्चा उसका छोटा है, उसे अकेले कैसे छोड़ दूं मैं? उसने चाहे कुछ भी किया हो, पर ये तो गलत है ना? अगर उसे अकेले बच्चे के साथ छोड़ दो तो कोई कुत्ता या कोई लोमड़ी उस बच्चे को उठा के ले गया तो हम क्या कर लेंगे? तुम ठीक कहते हो, लेकिन वो तुम्हारी क्या लगती है? इतना ही नहीं, मैं इनमें से किसी से परिचित नहीं हूँ। किसी के मदद के बिना ही उसकी देखभाल कर सकती हूँ मैं। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। जो ठीक लगता है वो तुम लोग करो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। या अल्लाह। देखा ना? बहुत रात हो गई है। हाँ। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, ठीक, कल आ जाऊंगी। हाँ, बिल्कुल। हाँ। क्या बात है, आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। मैंने इसको छुट्टी दी थी क्योंकि एक नेक इंसान है और नेक काम कर रहा था। जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया उन लोगों को तो कोई फिकर ही नहीं है। मैंने बच्चे को देखा। हाँ? सुशीला ने दिखाया। कैसी है वो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसकी तरह हो, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। मैं बहुत दिनों से तुझे पाना चाहता था। अरे
छोड़ो छोड़ो इसे। छोड़ो छोड़ो इसे। छोड़ो भागो तुम। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। छोड़ जाओ यहाँ से। अरे अरे छोड़ अरे अरे इतने सारे लोगों के बीच में बेचारी एक लड़की के साथ गलत किया गया। इसके साथ जो हुआ कल हमारी बहू बेटी के साथ भी हो सकता है। और तुम सभी लोग खड़े होकर इसका तमाशा देख रहे हो। तुम सब लोग खड़े होकर इसलिए देख रहे हो कि तुम्हारी बहू बेटी के साथ ऐसा नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है, वो पहले से ही डरे हुए हैं। इस लड़की में जितनी हिम्मत है वो तुम्हारे अंदर नहीं है। इस बेचारी के साथ जिन्होंने अत्याचार किया उन सबसे लड़ने के लिए तुम्हारे पास हिम्मत नहीं थी? अपनी आंखें खोलकर देखो उसे। ये अकेली होने के बाद भी अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम सबके बीच में अकेले ही लड़ रही थी। ये बच्ची नहीं नारी शक्ति है, समझ में आ गया? ये बेचारी बस बोल नहीं सकती है और बेचारी लाचार है, इसलिए इसका पालन पोषण मैं करूंगा। इसका बाप तो नहीं है पर बाप जैसा बनकर। आओ मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे वो लड़की पसंद है। वो बच्चा और लड़की दोनों चाहिए। मैं उन दोनों का पूरा ख्याल रखूंगा। ऐसे आवेश में आकर बोलना बहुत आसान होता है। जी नहीं मास्टर, मैं आवेश में आकर नहीं कह रहा हूँ ये सब। इसके बारे में सोचा मैंने। अब से उसे कोई चोट नहीं पहुँचाएगा। आजकल के युवा पे भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है, मुझे माफ करना। इस बेचारी को मैंने सब कुछ समझा दिया है। जाओ। ईश्वर तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आयुष्मान भावा, सुहागवती भावा। जाओ जाओ।